अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं किसी शॉप की या किसी सेल की वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं जहाँ आई हूँ ये एक है शादी हॉल, ABC लॉन शादी हॉल है, और यहाँ पे आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप लोकेशन देख सकते हैं, ये हैदरी मार्केट में है ये हॉल, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ आज की वीडियो क्या है, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चले फिर वीडियो को करती हूँ स्टार्ट, अंदर चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज की वीडियो कहाँ से शुरू होगी और कैसे शुरू होगी। साथी रखें, मैं बात कर रही हूँ साथी। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका ये जो सेटअप है ऐश बाजार मेहरबान के नाम से, तो ये इसका किस तरह से शुरुआत है, आप मुझे बताएं डिटेल्स वगैरह यहाँ की कुछ। ये दरअसल हमारी एक NGO है, ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तमाम तर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और जस्ट हम ये बाजार मेहरबान नहीं करते, हमारे वक्तन फवक्तन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। लाइक क्योंकि हम सब डॉक्टर्स हैं, तो हमारी एवरी मंथ एवरी टू मंथ हमारा ये काम होता है कि हम जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं नीडी पर्सन। तो डिफरेंट एरियाज में जाकर फेसबुक पेज आप हमारा विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी मिल जाएंगी। ये जो मेन एक्टिविटी है हमारी, सबसे बड़ी एक्टिविटी है जो कि हम सालाना करते हैं, 27 रमजान को ही अल्हम्दुलिल्लाह होता है। माशाल्लाह 7 साल हो गए हमारे इस इवेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए 11 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। और इसमें जैसे कि आप देख रही हैं, जरूरत जिंदगी का तमाम तर सामान मौजूद होता है, इसमें राशन भी है। अरेंजमेंट वगैरह किस तरह से करते हैं? इसकी अरेंजमेंट हम सब खुद करते हैं, जो हम आपको देख रहे हैं हम सब समझ लें रमजान से पहले से इसके अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, और कोई बहुत ज्यादा एक्सटर्नल हमारी फंडिंग नहीं है, हम सब आपस में मिलकर ये फंड कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें अरेंज करते हैं। और फिर जो सजा आप देख रहे हैं ये सब भी हमने खुद सजाया है। बाजार मेहरबान में क्या क्या चीजें की फैसिलिटी आपको यहाँ पे दी जा रही है, आप दे रहे हैं मतलब लोगों को क्या दे रहे हैं? इसमें यहाँ पर जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं, एक मार्केट प्लेस जैसा होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं। ये बेसिकली वो थीम है, लेकिन वो मार्केट प्लेस होता है पेट के, उसमें पैसे देने पड़ते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको सब्जी मिलेगी, फ्रूट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा राशन अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, यहाँ पर आपको कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, एवरीथिंग जो आपको एक मार्केट में मिलता है वो सब यहाँ। तो यहाँ जो भी आएंगे बाजार मेहरबान में, तो उनको कैसे आप सिलेक्शन करते हैं? उनकी सिलेक्शन इस तरह से होती है कि देखें, जो नीडी पर्सन होते हैं लेकिन वो पर्दापोश अफराद होते हैं, आपके भी इर्द गिर्द में है, मेरे भी इर्द गिर्द में है, तो इसी तरह अपने लोगों से हम पूछते हैं पहले कि कौन ऐसा फर्द है जो मांग भी नहीं रहा लेकिन उन्हें पता है कि भाई उनको जरूरत है। अपने इलाके में, अपने सिटी में हम डिफरेंट एरियाज में देखते हैं, और फिर क्योंकि हम इतने साल से कर रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी लोग खुद भी कॉन्टेक्ट करते हैं, तो इस तरह हम लोगों को अरेंज करते हैं। और यहाँ पर जितना भी सामान है सिर्फ उतने ही लोग यहाँ पर इनवाइट किए जाएंगे। हम कभी कितना सामान है और कितने तकरीबन यहाँ पर 200 के बराबर का लोगों का सामान है। ठीक है, लेकिन हमने बुलाए यहाँ पर है 200 अफराद, 190 से 200। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सामान आप देख रही हैं इससे ज्यादा का है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि अगर 1 से 2 पर हो भी जाएं, क्योंकि कपड़े वगैरह ऐसे हैं, अब देखें लेडीज के कपड़े हैं, जेंट्स के कपड़े हैं, सबकी क्वांटिटी उतनी उतनी है, लेकिन वो अगर सारे मिलाए आप तो वो कितने ज्यादा हो जाते हैं, बच्चों के भी अलग है। मतलब वो लिमिट किया हुआ है कि कितना उनको लेना है या वो अपनी मर्जी, हर स्टॉल से उन्होंने एक चीज लेनी है, एक चीज लेनी है। जो हैंगर में कपड़े हैं उसमें से एक ले लेंगे, जो पैक कपड़े हैं उसमें से ले लेंगे, बच्चों के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, मतलब जो जो स्टॉल पे मौजूद है हर स्टॉल से लेना है। जी बिल्कुल, आइए। जैसे की ऑयल मौजूद है, ऑयल वो एक इसमें से सिलेक्ट ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसा हम इस्तेमाल करते हैं वैसा कुकिंग ऑयल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उसके साथ हमारे पास मौजूद है मसूर की दाल, जो बेसिक चीजें हैं घर की, जरूरत की चीजें हैं वो मौजूद होती हैं। यहाँ पर कुछ मौजूद है मसाला जात, और इसके साथ मौजूद है चावल। क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी वो है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने अपने घरों में, आप देख सकते हैं। सही है, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, हाँ बिल्कुल, आप दिखाइए क्वालिटी, माशाल्लाह बिल्कुल वो है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी बेस्ट है, हाँ अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मौजूद है हमारे पास प्याज, ओके, ठीक है, जो कि बिना कोई भी सालन हो प्याज जरूरी है, तो ये बेसिक चीजें, बेसिक चीजों का हमने ध्यान रखा है। पालक मौजूद है, सब्जी इसमें ऐड की है हमने। इसके साथ यहाँ मौजूद है हरा धनिया, पुदीना, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद है टमाटर, ओके, और इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है बैगन, ओके, और क्योंकि बैगन के साथ आलू जरूरी बेसिक चीज है, तो ये आलू यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ फ्रूट में हमारे पास इस दफा मौजूद है चीकू। अच्छा, ठीक है, आपने चीकू रखा? हाँ बिल्कुल, इसमें चीकू मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा हाँ ये मौजूद है, चाय की पत्ती मौजूद है। अच्छा सही है, ठीक है। यहाँ ये चने की दाल भी यहाँ पे है, ठीक है। नमक मौजूद है, ओके, नमक है,
सिवैया क्वालिटी बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी की चीजें रखी हुई है। ठीक है अच्छा जनाब, ये सिवैया जाहिर है ईद से पहले ईदी बेसिकली ये है। ठीक है तो इसने सिवैया बेसिक चीज है। अंडे भी इस दफा हमारे साथ बाजार में ऐड है माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाश्ते का इंतजाम है यहाँ पर, बन है, ब्रेड है, ब्रेड है। ओके ईद का मौका है और शॉपिंग जैसे मैंने आपको बताया ये कैसा बाजार है जिसमें सब कुछ मौजूद है। आप यहाँ पर कपड़ों की वैरायटी देख सकती हैं माशाल्लाह कि किस तरह के कपड़े मौजूद हैं। ठीक है तो ये सारे नए हैं, नए और ओल्ड दोनों हैं, नए और वो है। अच्छा लेकिन ज्यादातर इस दफा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे नए कपड़े हैं। पैकिंग में भी आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पैक में से भी एक शख्स लेगा और ये जो टंगे हुए इसमें से भी मतलब दो इसमें से भी एक ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें से भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। क्वांटिटी आप माशाल्लाह देख रहे हैं कितनी ज्यादा है तो हम देने के लिए आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल अच्छा, ये मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपने बहुत रखे हुए ये। हाँ सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा इसके अलावा ये सारे बच्चों के भी कपड़े हैं। हाँ ये देखिए माशाल्लाह बच्चों के कपड़े मौजूद हैं, बच्चों के भी कपड़े मौजूद हैं, बच्चों के कपड़े मौजूद हैं इसमें, बाबा बेबी दोनों हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये नए हैं। अच्छा बिल्कुल न्यू है, एज वाइज है। ठीक है, 1 साल तक के बच्चों के लिए सही है। अच्छा और ज्यादा अच्छा करके यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा ये जेंट्स के कपड़े, शर्ट्स भी हैं, पैंट्स भी हैं, टी शर्ट्स हैं, सलवार कमीज भी है, बच्चियों के सलवार कमीज भी हैं। ये भी नए हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे तकरीबन। और ये भी है, जी बिल्कुल, ये सलवार मतलब जो यूज भी है ना वो ऐसे हैं कि वो किसी के इस्तेमाल में आ सकते हैं, जैसे कि हम खुद भी यूज। हाँ बिल्कुल ऐसे तरह की चीजें है। ठीक है इसमें, क्योंकि देखिए जिन्हें नीड है ना उनके लिए तो कपड़े की जरूरत है, बस ऐसा कि जो उनके जिस्म को ढकना चाहिए। बच्चों के भी है, बच्चों के ये बिल्कुल सब न्यू है। ठीक है ये आप कोट पैंट देख सकते हैं, सारे कोट पैंट है जेंट्स के। ठीक है ये सब न्यू है। ठीक है बहुत बेस्ट। ओके इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम भी रखा है। हाँ बिल्कुल सबके लिए, क्योंकि आटा तो बेसिक चीज है। बिल्कुल चीज है। अच्छा ये कितने केजी? 5 केजी आटा है। 5 केजी तो एक पैकेट पर, एक पैकेट सबके लिए, हर घर आने के लिए एक पैकेट। अच्छा ठीक है, ये स्लीपर्स मौजूद हैं। सही है, सैंडल्स ऐसी और कुछ हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया जो भी कुछ डोनेशन में हमें आता है उसको और अच्छा करके हम यहाँ पर रख देते हैं। जी बेबी के लिए है। ठीक है और ये कुछ स्टफ है, हाउस होल्ड आइटम्स है, किचन के बर्तन वगैरह, ये बैग है, ये सब न्यू है। अच्छा ये सब, हाँ ये सब बिल्कुल न्यू है। अच्छा ये सारे बैग है। ठीक है ईद हो, लड़कियों के पास कपड़े हो और बैग ना हो या तो आपको पता है बैग तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है। और ये सब ज्वेलरी हमारे पास है, क्वालिटी बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त। ये ज्वेलरी है, कुछ ज्वेलरी ईद हो और मेहंदी ना हो तो लड़कियों का खास इंतजाम किया गया है। भाई लड़कियां माशाल्लाह बहुत खुश होती है चूड़ियां, बिल्कुल ये तो भाई ईद के लिए जरूरी है। और मेहंदी चूड़ियां मैंने कॉस्मेटिक ना लगाए तो कॉस्मेटिक भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और कुछ ये केचर पोनी वगैरह बच्चियों के लिए, क्योंकि जाहिर माओ के साथ बच्चियां आती हैं उनकी एक खुशी अलग होती है, तो केचर वगैरह पोनी वगैरह उनके लिए हमने यहाँ रखी है। बस एक छोटी सी कोशिश है, अल्लाह ताला इस कारवां को बस आगे बढ़ाए मजीद। हमारी तो कोशिश ये होती है कि जो बेसिक इस बाजार को करने का मकसद मैं आपको बताना चाहूंगी और एक मैसेज फॉरवर्ड करना चाहूंगी सबको कि देखिये हमारी कराची, हमारे पाकिस्तान में बेशक नीडी बहुत ज्यादा है लेकिन एक बैड इमेज ना दिखाएं, किसी को भी बैड इमेज ना दिखाएं कि भूख बहुत है, ये बहुत है, ऐसा नहीं है। अगर कोई नीडी पर्सन है आप उनको इज्जत के साथ, आप बिल्कुल उनको इज्जत के साथ उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करें। और आप देख रही है माशाल्लाह कितना पीसफुल माहौल है और आप देखेंगे जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, मैं माशाल्लाह 7 साल से क्यों कर रही हूँ इसलिए मुझे अंदाजा है, बिल्कुल पीसफुल माहौल में सारा काम होगा, इज्जत से लोग आएंगे क्योंकि उनको इतनी इज्जत से इन्वाइट किया गया है कि वो लोग भी कोई भगदड़ नहीं मचाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही मेरी मैसेज है लोगों के लिए कि आप कोशिश करें कि सारा काम बहुत पीसफुल हो और आने वालों की इज्जत मजरू ना हो, इस चीज का ख्याल रखें। और ये हमारा बाजार है, इसके लिए हम सबके लिए दुआ करें, बिल्कुल बेशक, और इस कारवां को बढ़ाने में हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। 8 साल हो गए हमें इसको लगाते हुए और हर साल रमजान की 27 को लगता है, 27 रमजान को लगता है। ठीक है और इसमें हमारी जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टोकन के भी 5 रुपए नहीं लिए जाते, ना 10 रुपए ना 5 रुपए के एंट्री के लिए हम सब कुछ फ्री देखते हैं। जो ऐसे नीडी पीपल होते हैं मतलब जो सफेद पोश लोग होते हैं उनके सवाल नहीं करते हैं, मतलब फकीर टाइप के नहीं होते, घर में खामोश बैठे रहते हैं, ढूंढ कर अपने सराउंडिंग से उनको पास करते हैं। और ये जो आप देख रही है ना ये हमारी समझ में पूरा साल की मेहनत है, हम अपने घरों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से खुद मेहनत करते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, माशाल्लाह पोजीशन में लेकर आते हैं कि वो इस तरह से डिस्प्ले हो सके, पैक करते हैं, अपनी पसंद का समझ के अपनी पसंद से चूज करके जो है वो ले लें अपने बच्चों के लिए किसी और के लिए। तो यह है कि यहाँ पर जब
लोग आते हैं ना तो वो खुद अपनी मर्जी का चूज करते हैं, किसको अपनी शादी के लिए ले लेता है, कोई ईद के लिए लेकर जाता है। तो यहाँ पे सिवाय कपड़ों के और तमाम तरह से जिंदगी का सामान है, जैसे आप देख सकते हैं बर्तन है, खिलौने है, खाने की चीजें, राशन, इवन के ब्रेड आप देखेंगे वहाँ पे, अंडे वगैरह, ब्रेड और सारी चीजें हैं। आप अगर कैमरा अगर आपको दिखा सके तो आप इस तरफ देखेंगे कि सारे यहाँ पर हमने हाउस होल्ड का सामान रखा हुआ है, इधर पर्स बैग्स वगैरह है, इधर जी ये डॉक्टर फिरोज की तरफ से ये यूज हुई ज्वेलरी है, इसमें कुछ न्यू भी है और यूज भी है, तो वो ये जो लोग हमें डोनेशन में देते हैं वो हम न्यू वाली जो है यहाँ पर उसके साथ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लोग ये सब न्यू सामान है, आप यहाँ पर देख लें, इसमें से कुछ शायद कोई एक दो चीजें ऐसी होंगी जो यूज होंगी। इनमें कपड़े भी काफी कुछ न्यू भी हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल अनयूज भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी ने एक दो दफा यूज किए होते हैं। फिर वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रेड नजर आएगी, साथ साथ जो है वहाँ पर बंस हैं, अंडे रखे हुए हैं, साथ सेवैया हैं, वहाँ पर हमारे पास नमक है। अब अगर आप यहाँ पर कैमरा घुमा कर दिखाएंगी तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक बिल्कुल ही जैसे सब्जी मंडी का सामान आपको यहाँ पे नजर आएगा इस पर, क्योंकि जो यहाँ पर आप देखें तो फ्रूट तरह के आलू, प्याज और बैंगन है, टमाटर है, हरा धनिया, पुदीना, पालक। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने जो भी हमारे पास आ रहा है ऐसा जरूरतमंद, तो उसको हर तरह की चीज मिल जाए, यानी वो यहाँ से बिल्कुल खुश होकर जाए। और इतना सामान हम ऐसा अरेंज करते हैं कि एक फैमिली का सामान हो, यानी एक पास पे एक फैमिली का सामान हो जाए, तो हम इस तरह से ही अरेंज कर रहे होते हैं। और ये 27 रमजान को लगाने का मकसद भी होता है, काफी सारी एनजीओ जो होती हैं वो रमजान में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है पैकेजेस का, लेकिन हम यहाँ पर हमने ये सोचा कि हम ईद का ख्याल करते हैं, तो हम यहाँ पर जो बेसिकली जो कपड़े हम अच्छे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं और इस तरह के, ये ईद की तैयारी के लिए है कि उनकी ईद की तैयारी हो जाए। ये हमारी मैडम फरजाना और मैडम शाइना, इन्होंने अपने घरों में बैठ के बहुत मेहनत की है, ये पैकिंग वगैरह सब हम लोग रातों रात जी हम सब घर में जमा करते रहे। अच्छा, ये टीम वर्क है ना, टीम वर्क, हमारी पूरी टीम जो है ना मेहनत करके आज इस तरीके से बना, अकेले नहीं हो सकता जी, बिल्कुल ऐसे ही जाके ये हमारा बाजार लगता है। आप यकीन करेंगे हमें लोग शूज देते हैं, उनको भी हम पहले धोते जी, उन्हें क्लीन करते हैं ताकि वो किसी को देने के काबिल हो, उन्हें हम हर एक कपड़े को प्रेस करते हैं, पैक करते हैं सब करके। वैसे नए भी हैं ऐसे, ये नहीं कि सारे, लेकिन अगर कोई हमें एक दफा यूज हुआ भी दे रहा है तो हम देते हैं सब, मतलब देते हैं, बट ये कि उसको अगर हम इस पोजीशन में ले आते हैं ना, आपको मतलब आप तक पहुंचता कैसे है, आपने कांटेक्ट बनाया जी, हम लोग हम आपस में अपने अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट, नहीं है हमारे पास, हम सब ऐसे ही है, इन्होंने अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया, इन्होंने अपने रिश्तेदारों से मैंने किया, हम लोगों ने अपने अपने घरों में जमा किए, फिर उन्हें पैक किया, फिर हमने एक जगह पर यहाँ पर इस तरीके से बाजार की फॉर्म में उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया, फिर हमारे चेयरमैन सारा अरेंजमेंट करते हैं जाके। यहाँ पर तकरीबन 200 फैमिलीज का सामान अभी मौजूद है, फैमिलीज का, अफराद का नहीं, फैमिलीज, तो यहाँ पर जो भी अफराद आएंगे आइटम तो यहाँ पता नहीं काफी आइटम आइटम से बहुत सारे हैं, पर हर अफराद जो भी यहाँ पर आएगा जब यहाँ से सामान लेकर जाएगा तो वो एक फैमिली का सामान होता है, तो वो पूरे खानदान का सामान जाएगा यहाँ से, इंशाल्लाह ईद अच्छी गुजरेगी। अच्छा, ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से हर एक स्टॉल पे, हर एक टेबल पे लगाया गया है, इस पे नमक है और ये सारी चीजें मौजूद है। ओके, अच्छा यहाँ पे जो है चने की दाल है, ठीक है, इसमें आधा किलो की और एक किलो की पैकेट बनी हुई है, सही है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ चावल की पैकेट भी है जो कि एक एक किलो की पैकेट पे तैयार किया गया है, ठीक है, ये 200 अफराद के लिए तैयार किया है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ ये पूनम का धनिया पाउडर वगैरह भी मिलने वाला है, और ये पूनम मिर्च वगैरह है, और माश की दाल भी यहाँ मौजूद है। ओके, इसके अलावा ये ऑयल वगैरह है जो कि एक किलो की बोतल यहाँ पे मौजूद है, और ये प्याज है, और इसके अलावा ये पालक है, फ्रेश है, बहुत अच्छा है, और ये भी पालक है, इस तरह इस पे एक टेबल पे ये लगाया गया है, और यहाँ पे आपको हरी धनिया के भी एक स्टॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉल आपको पुदीना का भी मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मिल रहा है टमाटर का भी एक स्टॉल लगा है यहाँ पे, इसके अलावा बैगन भी यहाँ पे है, ठीक है। क्वालिटी आप चेक करें, अच्छा दिया जा रहा है, बेस्ट दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जो कि बाजार मेहरबान के नाम से 27 रमज़ान को लगाया जाता है। डॉक्टर की टीम है, ऐश की, ठीक है,
और ये आपको आलू है और फ्रूट्स में जो है ये चीकू है यहाँ पे स्टॉल, और ये भी चीकू का स्टॉल है, ठीक है। और ये सूट्स है, ठीक है, आपको इस तरह लगाया गया है यहाँ पे, आपको यहाँ दिया जाएगा एक, और जो भी आएगा वो एक सूट यहाँ से ले सकता है और एक इन पैकेटों में से भी ले सकता है, ठीक है। और राशन हर एक स्टॉल से हर एक चीज़ ले सकता है, हर बंदा एक स्टॉल से एक चीज़ ले सकता है, ठीक है। सारे नए कपड़े हैं और बहुत ही बेस्ट और बहुत ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं डॉक्टर की टीम, होम्योपैथी डॉक्टर की टीम, जो बाज़ार मेहरबान के नाम से ये बाज़ार लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़ेद पोश लोगों के लिए लगाया जाता है, जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और ना ही किसी से मांगते, तो वो यहाँ से आते हैं और अपनी खरीदारी करते हैं बिना पैसों के, ठीक है। उनकी ईद होती है और उन्हें ये ईद और भी दी जाती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको न्यू बॉर्न के भी कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ छोटे बच्चों के भी कपड़े हैं जिसमें न्यू बॉर्न भी शामिल है और उसके अलावा बड़े बच्चों के भी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको अबाया भी मिलेगा, ओके, जैकेट भी है, ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद है, ओके। इसके अलावा यहाँ जेंट्स की वैरायटी है, शर्ट भी मौजूद है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, और पैंट वगैरह मौजूद है, शर्ट्स है, शलवार कमीज़ की पैकेट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और ये शर्ट्स है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बच्चों के भी कपड़े हैं जो हैंगर किया है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये बड़ों के भी कपड़े यहाँ पे लगे हुए हैं, ओके। उसके अलावा ये भी शलवार कमीज़ है, बड़ों के और बच्चों के सब मिक्स है, यहाँ पे हर एक स्टॉल से एक चीज़ लेने का अलाउ है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये शलवार कमीज़ भी है यहाँ पे, अच्छा, ये आपको ये स्वेटर है हाफ जैकेट स्टाइल पे है, ठीक है, कोट स्टाइल पे। उसके अलावा ये सारे कोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, ये भी लगा है यहाँ मार्केट में बाज़ार मेहरबान में, ठीक है, और उसके अलावा ये भी मौजूद है, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये सैंडल स्लीपर्स भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, सारे नए हैं, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, आप ये चेक करें क्वालिटी, ठीक है, ओके। उसके अलावा ये सैंडल चेक करें, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, और शूज़ वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, सही है। उसके अलावा ये बच्चों के हैं, मेरे ख्याल से बिस्तर है बच्चों का, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये है फीडर्स वगैरह भी है, और ये जार वगैरह भी है, ठीक है, पानी की बॉटल है, और आपकी ये टिफिन बॉक्स वगैरह है, और प्लेटें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। बच्चों की टॉयस वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बाज़ार मेहरबान में, ठीक है। अच्छा, ये जो है पर्स है, लेडीज पर्स है, ठीक है, ये सारे पर्स लेडीज पर्स है, ओके, और ये भी लेडीज पर्स है, आप देखें, ओके, सही है, और सारी लेडीज पर्स है। और ये बाज़ार ऐश वेलफेयर डॉक्टर होम्योपैथी की टीम ने लगाया है, ऐश वेलफेयर की जानिब से ये बाज़ार मेहरबान लगाया गया है, ठीक है, और जो कि हर साल लगाते हैं, ये आठवां बाज़ार है और ये 27 रमज़ान को ही लगता है, ठीक है। ये लेडीज़ ज्वेलरी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईद में लेडीज़ को ज्वेलरी ना मिले तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, इन्होंने ईदी के तौर पर ये सारी चीज़ें भी अरेंज किया हुआ है, ठीक है, ओके। उसके अलावा ये मेहंदी, और मेहंदी को भी यहाँ रखा गया है स्टॉल में, और चूड़ियों का भी स्टॉल बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये कॉस्मेटिक है, ठीक है, और आपको यहाँ हर एक चीज़ मिल रहा है, ओके, ठीक है, और ये हेयर बैंड वगैरह है बच्चों के, और कैचर्स है बच्चों के, पोनी वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जा रही है कि किस तरह से इन्हें अपने स्टॉल में खड़ा होना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इन्होंने जो है अभी यहाँ पे अपना अनाउंस करना है अपने वॉलंटियर को, सारी चीज़ें सिस्टम सारी चीज़ें समझा रहे हैं ये डॉक्टर इमरान, ठीक है। और आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो बहुत आपके प्रोटोकॉल में शामिल है, कि जो ऑयल की बॉटल्स हैं ये दो आपने एक शख्स को दे दी, जो एक शख्स आएगा उसको हमने दो ऑयल की बॉटल दे दी। ऑयल आप लोगों को पता है कि 650 रुपए प्लस करके क्रॉस कर दिया, लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि यार वो दो उठा लें, चार उठा लें, छः उठा लें, तो आपने इस बात को निश्चयन करना है कि लोगों को हर्ट नहीं करना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, ये समझिए कि वो ज़रूरतमंद है, उनको एक स्माइल के साथ आपने ये कहना है
कि भाई आपके लिए ये पैकेज होता है, मजीद आने वाले लोगों के लिए, किसी के साथ आपने सख्ती से बात नहीं करनी, डोंट फ्राउंड, कोई टेढ़े मेढ़े मुँह ना बनाइएगा, इंसान या हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये मेरे भाई मेरे साथ सब्जी मंडी जब गए थे ना तो रात भर जागे थे, रात भर जागे थे और बताए दो दिन ही सोए, तो इसीलिए रोजर के हमारे आ गए ना यार, ऐसी हालत हो जाती जब आप लोग दो दो दिन रात जा करते तो ऐसी हालत हो जाती। चलो डॉक्टर इमरान और उसकी टीम के लिए भरपूर तालियां, इमरान के लिए मखसूस क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसके लिए मखसूस तालियां। ये कामयाबी का सेहरा आप सबके साथ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उसी जैसे भी जो यहाँ नहीं मौजूद, सबके सर ये किसी एक का क्रेडिट नहीं है, बेशक लोग के आज पास आपकी मोहब्बत है, मेहरबानी है जो जान का नाम ले रहे हैं, लेकिन हर चीज ये उस बच्चे की भी मेहरबानी है जो यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा है, उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने अपने स्टॉल पे जाएं और अगर आपको नहीं पता कि कौन से स्टॉल पे जाना है तो मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा। ओके थैंक यू, समझ गए सारे, अपने अपने स्टॉल संभालो, कुर्सियां पे अपने साथ चले गए। अच्छा ये जो है अब यहाँ पे ये सारे वॉलंटियर जो है इन्होंने डॉक्टर इमरान ने इन्हें गाइड कर दिया है, अब ये सारे जो है अपने अपने स्टॉल में जा रहे हैं और इन्होंने अपना अपना स्टॉल संभालना है, और इस तरह से जो है अब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है बाजार मेहरबान, और यहाँ जो है सारी आवाम आने वाली है जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है तो वीडियो पे साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिलेगी। अच्छा यहाँ जो है मेरे साथ क्या नाम है आपका, अस्सलाम वालेकुम, ये भी एक यूट्यूबर है ये मौजूद है, ये भी आई है और भी बहुत सारे लोग आए हैं, कैसा लगा आपके हाथ में क्या हुआ पहले तो आप ये बताएं। अच्छा बताएं घर में सब खैरियत है, मतलब जो माशाल्लाह से इतना अफोर्ड कर सकते हैं अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट करें, माशाल्लाह शेफ भी जबरदस्त है ना, किसी गरीब की मतलब दुआएं लेंगे तो बहुत हिस्सा लेना चाहिए। हमारी मैडम अभी बहुत वीडियो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर शाइना, बहुत बड़ी बात है, इतना जबरदस्त सेटअप बना हुआ है ना, मतलब यहाँ पे जो है हिमाचल से लोग आएंगे यहाँ पे हर चीज मौजूद है, कपड़े मेहंदी चूड़ियाँ सब कुछ मौजूद है, डॉक्टर शाइना हर चीज एक यहाँ पे जो है डोनेट करने का काम शुरू हो चुका है, और ये जो है इस तरह से ये शुरू हो चुका है, अब ये इन्होंने अपना ये कट्टा लिया हुआ है यहाँ पे और इसमें ये सारी चीजें इनको दी जा रही है एक एक करके। सही है, ये इन्होंने एक अपना बोरी लिया हुआ है और इसमें आपको दाल इनको दिया जा रहा है और यहाँ खजूर की पैकेट और सारी चीजें जो है दी जा रही है। आइए इस तरफ आइए, ठीक है अपने लिए सब्जी लिए टमाटर लेंगे अभी, सही है अब जो है इन्होंने सब्जियां लेना है और ये जो है अब सब्जियां ले रहे हैं। ठीक है इस तरह से सब्जियां ले रहे हैं, ओके अब इनको यहाँ फ्रूट्स और आलू दिया जा रहा है, सही है। अच्छा अच्छा ये इनको भी सामान दिया है, देखिए इस तरह से ये सामान ये सब ने अपना इस तरह से भर लिया है, सही है। और यहाँ पे जिनको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। और ये सब ने अपना इस तरह से बोरा लिया हुआ है और ये हर साल ये वेलफेयर डॉक्टर होम्योपैथी के ऐश वेलफेयर के जानिब से ये बाजार मेहरबान लगता है, ठीक है। हर स्टॉल पे अपना किरदार निभाया जा रहा है, हर स्टॉल पे एक वॉलंटियर खड़ा है और हर स्टॉल पे एक एक इनको राशन दिया जा रहा है, नमक दिया, ये सवाइयाँ दी है इनको, ठीक है। उसके अलावा ये आगे आएंगे और आगे आने के बाद इनको अभी अंडा की एक पूरी थैली एक दर्जन में खास से 6 अंडे पैकेट बनाया हुआ है वो दिया जाएगा। उसके बाद आगे जो है आपके ब्रेड वगैरह भी मौजूद है, ठीक है, ब्रेड दिया है, अंडे दिया है, सही है। ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे, सही है। और ये बेचारे बहुत ही मुश्तहक है, बहुत ही नेक काम किया जा रहा है, ये बाजार मेहरबान ऐश वेलफेयर के जानिब से लगाया गया है 27 रमज़ान को। और आप अगर ये वीडियो जितने लोग इसे देखें
और इसे लाइक और शेयर करें और आने वाले साल से इसमें अपना भी हिस्सा डालें, डोनेट करें ताकि इन गरीब मुश्तहक लोगों के काम आए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करके आप जो है इसमें हिस्सा लें और साल सवाब का हिस्सा बने। ठीक है, इस बाज़ार में आप भी अपना हिस्सा डालें और डोनेट करें आने वाले साल से, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और जो है जितनी वीडियो को आगे तक आप पहुंचाएंगे इनके लिए उतना फ़ायदा है, और जिनसे जितना बन सके वो इस बाज़ार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और डोनेट करें। डोनेट करने के बाद जो है इनके बेचारे इतने मुश्तहक लोग होते हैं, इन्हें ये दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर बाज़ार का रश लगा है, सही है, और ये सारे जो है अपनी शॉपिंग कर रहे हैं खुशी खुशी और बिना पैसों की ख़रीदारी कर रहे हैं। ये कितना नेक काम किया जा रहा है इस बाज़ार मेहरबान में, माशाल्लाह किया जा रहा है, राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें दी जा रही है। ठीक है, और ये इनके पास जो है इस तरह से शॉपर्स है, देखिए ये सारी शॉपर्स इस तरह से ये अपने बच्चों की शॉपिंग और राशन की शॉपिंग, ग्रोसरी की शॉपिंग ये इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सही है। जबरदस्ती ये आपको ऐसे यहाँ पे ये काम किया जा रहा है, जज़ाक अल्लाह के ये बहुत नेक काम है, और जो ऐश के वेलफेयर ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये राशन भी इनमें यह आटा इनको दिया गया है, सही है, ये देखें, और यहाँ सारी आवाम आई हुई है और एक एक करके अंदर आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से हर स्टॉल से इनको एक सामान मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे आप ये भी देखें इस तरह से, अच्छा सही है, ये इतना नेक काम किया जा रहा है, मुश्तहक लोगों को ये चीज़ें दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये मुश्तहक है, नहायत ही मुश्तहक लोगों को ये प्रोवाइड किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये चीज़ें दी जा रही है, और ये ईदी के तौर पे दी जा रही है, जिसमें आपको राशन और ये किस तरह ये अंकल हैं और इनको ये हकदार है, असल हकदार ये हैं जिन्हें ये दिया जा रहा है। ठीक है, और जो है इन्हें राशन भी दिया जा रहा है, ये इस तरह अपना फैला और अपना पूरा सामान ले रहे हैं। ठीक है, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे किया जा रहा है कि आप इस काम में बाहर देखने वाले और भी लोग इनमें हिस्सा लें, आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए इस काम में हिस्सा लेना और डोनेट करना, और हमें चाहिए कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले कर डोनेट करें, ताकि ये जो मुश्तहक लोग हैं इन्हें ये चीज़। तो आपका इवेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट आज रखा है, अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे, आमीन आमीन। और मैं ये मैं अपने देखने वालों से यही कहूँगी, अपील करूँगी कि आने वाले साल में इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर अपना डोनेट करें, ताकि ये जो मुश्तहक लोग हैं इन तक ये सारी चीज़ें पहुँचे। आपका ये बाजार है मेहरबान के नाम से जो है ये बहुत अच्छा बाजार है, और आपने मुझे इन्वाइट किया इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आपने मुझे भी इनवाइट किया। आप आई, आप लोगों ने एक एक चीज लेते जाइए, आप लोग आगे बढ़ते। ठीक है, आई होप सो कि ये वीडियो लोगों को पसंद आएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते। ठीक है, अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर आवाम इस तरह लाइन लगा कर यहाँ पे है मौजूद, और इन्हें एक एक करके अंदर जाने की इजाज़त है। ठीक है, क्योंकि एकदम से भगदड़ मच जाएगा, और यहाँ पे अफ्तार के बाद ये सिलसिला शुरू हो चुका है बाज़ार मेहरबान के नाम से, ये बाज़ार लगता है 27 रमज़ान को। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्हें अंदर जाया जा रहा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें राशन भी है और कपड़े भी हैं, ज्वेलरियाँ भी हैं, सब कुछ मौजूद है। ठीक है, ये देखिए इस कदर यहाँ रश लगा है, सही है, और मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। होप सो कि आपको वीडियो